बरसात का मौसम, बाहर बारिश, हाथ में चाय का कप और मैगी, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है ना। वेल, जितना खूबसूरत ये मौसम है, उतने ही उल जलूल प्रकार के कीड़े भी इस दौरान बाहर आते हैं। ऐसे ही एक बदतमीज कीड़े की हम आज बात करने जा रहे हैं, जो है स्नेल्स। स्नेल्स, वैसे तो स्नेल्स की बहुत सारी प्रजातियां होती है, और ये बेहुदे कीड़े जंगल से लेकर रेगिस्तान और पहाड़ों से लेकर समुद्र तक की गहराइयों में हर जगह इसी तरह रेंगते हुए मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी एक्स की जुबान कैंची की तरह तेज चलती थी, तो इनकी जीभ में लिटरली हजारों दांत होते हैं, जिसको रेजुला बोलते हैं। टेक्निकली रेजुला जीभ नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को कोई भी एग्जाम से पहले देखेगा। तो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए लेट्स अज्यूम कि वो दांतों वाली जीभ है, जिसका इस्तेमाल ये लोग फूल पत्तियों के चीधड़े उड़ाने के लिए करते हैं। और उस काम को ये इस तरह इतनी डेडिकेशन के साथ करते हैं, जैसे मानो किसी रोबोट की प्रोग्रामिंग करके उसको भेजा हूं, जा बेटा एक भी पौधा बचना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट्री टीम, यानी कि मेरी, इन कीड़ों से नफरत करने के पीछे की मेन वजह फूल पत्तियों की तबाही नहीं है, बल्कि वो वजह है टमाटर। जी हाँ, टमाटर, जिसकी कीमत आजकल लिटरली 100 रुपए किलो से ऊपर जा चुकी है, उस टमाटर को इन वहशी दरिंदों ने अपना मेन फूड सोर्स बनाया हुआ है, जिस वजह से हमको टमाटर पकने से पहले ही तोड़ने पड़ जाते हैं, वरना ये उसको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते। और अगर इनको टमाटर नहीं मिलते तो ये भुक्कड़ जीव पत्तों को खाने लग जाते हैं, जिस वजह से पूरा का पूरा पौधा तबाह हो जाता है। और चलो, टमाटर तो मानता हूं टेस्टी होता है, लेकिन इन पिलपिले पापियों ने बेचारी घी कुमारी तक को नहीं बख्शा, और अफसोस, बेचारी घी कुमारी अब कुमारी नहीं रही। और देखो इस बेशरम को, मेरी घी कुमारी को मोलेस्ट करके चल दिया अपनी इवनिंग वॉक पे। लेकिन अगर आप इन पापियों के कोहराम को देखने के बाद डर से कांप रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या नेचर ने इन बदतमीजों को रोकने वाला कोई नहीं बनाया, क्या कोई नहीं है जो इनको रोक सके, और जब सब इस तरह होपलेस हो जाते हैं, तब एंट्री लेती है वो जिसके फल को तो छोड़ो, गिरे हुए पत्ते तक को छूने की इन पिलपिले पापियों की हिम्मत तक नहीं होती, वो जो इस पूरे खौफनाक मंजर को वेकेशन की तरह इंजॉय करती है, वो है मिर्च। इस पूरे पौधे में एक भी स्नेल नहीं नजर आया हमारी डॉक्यूमेंट्री टीम को, और ये वीडियो शूट होने के एक हफ्ते बाद तक इस पौधे को डॉक्टर रिगिडिरू की इंटेंस ऑब्जर्वेशन में रखा गया, एंड द रिजल्ट्स वर कांस्टेंट एब्सेंस ऑफ दिस इडियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा टमाटर और फूल पत्ते बन के रहोगे तो आपको दुनिया के स्नेल्स चबा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, इसलिए कभी कभी मेज बनना भी सीखी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय द रेन, और डोंट, तुम एंजॉय ना भी करो तब भी बारिश तो होनी है।